हाय और बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का एक बार फिर से हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज अहमदाबाद की और अप्रैल की दोपहर है और हम लोग बैठे हुए हैं हमारे फेवरेट गुजराती थाली रेस्टोरेंट यानी कि गोपी में, गोपी जो जो कि प्रहलाद नगर पे आया हुआ है। और इट इज़ आर प्लेजर दैट टू मीट दिलीप भाई ठक्कर जो कि गोपी के ओनर है। तो आज हम लोग इनका जो गोपी का जो स्पेसिफिक इनिशिएटिव है जो कि ये हर साल करते हैं, जो कि बहुत ही नोबल कॉज है, जो कि फ्री बटर मिल्क जो है, या तो छाछ बोलते हैं जो गुजराती में, निःशुल्क छाछ, हाँ छाछ, छाछ जो बोलते हैं, तो वो छाछ का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और ये हर साल होता है। तो हर साल जब यहाँ की अहमदाबाद की गर्मी वैसे बहुत ही फेमस है और अप्रैल से शुरू हो जाती है, तो जैसे ही गर्मी शुरू होती है और 40 के पार जाता है तो वैसे इनका शुरू होता है, जो फर्स्ट बारिश होती है तब तक इनका रहता है। तो दिलीप भाई हमारे साथ में है, तो दिलीप भाई आप जब थोड़ा सा बताइए ये इनिशिएटिव के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इंटरव्यू ऑफ अ नोबल कॉज एंड स्प्रेडिंग द पॉजिटिव वर्ड टू द मार्केट। एज यू राइटली से सिंस लास्ट 7 ईयर्स माइनस कोविड सिचुएशन वी आर ट्राइंग टू सर्व छाछ टू ऑल द थर्स्टी पीपल 40 डिग्री प्लस वेन एवर मर्क्यूरी लेवल क्रॉसेस टिल द फर्स्ट रेन। वी स्टार्ट एट 11:30 एंड वी सर्व नियरली फॉर 4 आवर्स टिल 3:30 विच इज़ द पीक आवर्स ऑफ द हीट। एंड वी ट्राई टू सर्व बेस्ट क्वालिटी छाछ इन द मोस्ट हाइजीनिक कंडीशन, वेरी टेस्टी विथ रोस्टेड जीरा एंड नमक एंड आइस। वी आर नॉट एडिंग इनसाइड डायरेक्टली टू द छाछ बट वी आर कीपिंग अराउंड द कंटेनर सो इट विल नॉट अफेक्ट एनीबडीज थ्रोट। एब्सोल्युटली। एंड पीपल आर एंजॉइंग, एवरीबडी कम्स, द पीपल हु आर वर्किंग इन सराउंडिंग हाउसेज, डोमेस्टिक हेल्प, ATM सिक्योरिटी पीपल, रिक्शा ड्राइवर्स, एनीबडी एंड एवरीबडी, इवन फ्रॉम अ गुड सोसाइटी, गुड पीपल, बैंकर्स एंड सेल्स पीपल, दे ऑल्सो कम एंड एन्जॉय द छाछ। एंड वी हैव पुट नो कैप और रिस्ट्रिक्शन, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन हैव अनलिमिटेड छाछ इन अ डिस्पोजेबल ग्लास, सो हाइजीन इज ऑल्सो इक्वली टेकन केयर। God is kind to bless us to give such a strength that every year we continue this noble work and to give some relief to people. So guys, irrespective of caste or religion or creed or their social status, कुछ भी देखे बगैर यहाँ पे free छाछ जो है उसका वितरण होता है। और free छाछ जो है वो भी ऐसा नहीं कि free है तो उसकी quality में कोई compromise हो, it is the best quality buttermilk that they serve. तो वैसे ही उनकी छाछ की जो क्वालिटी है होती है वो भी बेस्ट होती है। और उनके जो यूनिफॉर्म वाले जो सर्वर्स होते हैं वही लोग होते हैं जो मैंने मैंने देखा बाहर कि वो लोग ही करते हैं सर्व। तो आप, यू आर वन ऑफ द वेल नोन नेम्स इन द होटल इंडस्ट्री ऑफ अहमदाबाद एंड वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द होटल इंडस्ट्री ऑफ अहमदाबाद। आई फील इट इज़ अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव दैट यू डू एवरी ईयर। इट इज़ अ वेरी नोबल कॉज एंड दिस इज़ अ फैंटेस्टिक वे ऑफ giving back to the society. I think it's a fantastic cause. Appreciate. So thank you very much for doing, on behalf of the society, I thank you for doing this activity every time. So guys, दिलीप भाई ने हमको बताया कि उनका क्या है, उनका aim क्या है, objective क्या है to do this for the society. तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं बाहर और हम लोग भी टेस्ट करते हैं छाछ को। आइए चलते हैं। तो गाइज हम लोग आ गए हैं गोपी के बाहर। तो ये देखिए ये जगह है जहाँ पे फ्री बटर मिल्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पे जैसे दिलीप भाई बता रहे थे हमको कि यहाँ पे विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट और क्रीड और वॉट एवर सोशल स्टेटस यू हैव, सबको फ्री छाछ मिलती है और वो छाछ भी एकदम बढ़िया क्वालिटी की होती है। तो चलते हैं और लेट्स टेस्ट द छाछ। चलिए तो गाइज देखिए यहाँ पे देयर इज अ क्यू और मैं भी खड़ा हूँ यहाँ पे क्यू में टू गेट माई बटर मिल्क। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4,000 ग्लासेस ऑफ बटर मिल्क आर कंज्यूम्ड इन वन डे। तो लोग यहाँ पे आते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो चलिए मैं आगे चलता हूँ एंड आई हैव माय ग्लास। चीयर्स। सो कोल्ड एंड रिफ्रेशिंग, वेरी कोल्ड एंड रिफ्रेशिंग। तो गाइस जैसे दिलीप भाई बता रहे थे अंदर काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 5,000 ग्लासेस ऑफ बटर मिल्क जो है वो
ख़त्म हो जाता है दिन का। तो देखिए यू कैन सी दी भीड़, पीछे भीड़ देखिए कितनी सारी है यहाँ पे। तो इट इज़ अ वेरी वेरी नोबल एक्टिविटी, जैसे कि मैंने बताया, इट्स अ वेरी वेरी नोबल एक्टिविटी दैट गोपी हैज इनिशिएटेड, वेरी नाइस एक्टिविटी। चीयर्स। तो गाइस हमारे साथ में कीर्ति भाई है। कीर्ति भाई आप कितना कितना टाइम से आते हो? हर साल आते हो यहाँ पे? हर साल आते हो, हर साल। अच्छा, तो आपको पता है कि यहाँ पे फ्री चार्ज का चार्ज मिलती है? हाँ, फ्री, एकदम फ्री सेवा है। अच्छा, बढ़िया है। अच्छा, अच्छी सेवा कर रहे हैं, गर्मी के अंदर हर साल करते ही है। अच्छा, तो आप हर रोज आते हो यहाँ पे? हर रोज मैं शांत पीना आता हूँ। हर रोज आते हो? देखो कीर्ति भाई जैसे लोग जो होते हैं हर रोज आते हैं यहाँ पे, ये जो फ्री चार्ज सेवा है उसका लाभ उठाने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया है। क्वालिटी कैसी है? बहुत बढ़िया है, अच्छी बढ़िया क्वालिटी है। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया क्वालिटी है। द क्वालिटी ऑफ चार्ज इज सुपर। हर साल करते हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और सब लोग, जितनी गर्मी की ज्यादा पड़ती है तो जो भी गर्मी में निकल रहा सब यहाँ चार्ज पीने आते हैं। अच्छा होता है ना, मतलब प्यास लगती है तो ऐसे फ्री ठंडी चार्ज में मिलती है, तो है ना? आप भी आते हैं क्या रोज? हर बार होता है यहाँ से गुजर रहे हैं, तो अगर आपको प्यास लगी है तो यहाँ पे आके फ्री चार्ज पीजिए, विच इज गिवन बाय गोपी। वेरी नाइस। चीयर्स। वन ऑफ द रीजंस जो गोपी हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट है बिकॉज ऑफ इट्स क्लेनलीनेस। गोपी रेस्टोरेंट जो है वो उनका जो है वो ओपन किचन है, सो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एनी बडी कैन गो इनसाइड एंड इंस्पेक्ट द किचन। चलिए आपको दिखाते हैं। एब्सोल्युटली क्लीन और हाइजीनिक किचन ऑफ गोपी। तो दे आर वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, और कभी भी कोई भी जो उनका कस्टमर है या तो कोई भी विजिटर है वो वॉक इन करके उनका किचन कैन दे कैन चेक द क्वालिटी, द हाइजीन ऑफ द किचन। और देखिए पूरा साफ है आपका किचन, हम लोगों ने देखा, इट इज़ एब्सोल्युटली क्लीन एंड हाइजीनिक। और आपका जो बोर्ड लगा हुआ है बाहर, एनी टाइम एनी कस्टमर एनी विजिटर कैन एंटर एंड सी द किचन, तो उसका क्या है कारण? व्हाट इज़ द रीजन दैट यू हैड टू डू दैट? आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड आवर प्रिंसिपल मिस्टर एनएम रफीक हैज टॉट अस कि इन योर ऑर्गेनाइजेशन 100% importance should be given to your kitchen, which is the paradise of the food industry. If your kitchen is not in order, then you cannot deliver a good food to the guests. Absolutely. So we are giving utmost importance, regular pace control, body checkup of all the workers who are working, water test, and we have tied up with a garbage company who is picking up our garbage, and we ensure that everything happens in a desirable manner. So we can invite the people, they can come and see the kitchen first and then they can eat. And I have decided that I will always aim to have my kitchen where I can sit on the floor and eat. That should be the level. That is what I train my people on day-to-day basis. Absolutely. So guys, इसमें ऐसा है कि काफ़ी सारे rules जो होते हैं खाने के, जो restaurants है, जो hotels है, उसके काफ़ी सारे rules होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे rules जो होते हैं मतलब वो book में ही होते हैं, वो पीपल डोंट ओबे दोज रूल्स। बट दिलीप भाई हु इज़ अ स्टूडेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड यू नो हु लिव्स बाय व्हाट ही हैज़ लर्न्ड, एंड यू नो यू कैन सी एक्चुअली हाउ हाइजीनिक द किचन इज, एंड वो एक्चुअली जो रूल्स है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने में मानते हैं। नॉट ओनली द किचन बट इवन द गार्बेज डिस्पोजल, वो भी उनका मतलब वो ही रूल्स के हिसाब से है। ये तवा है बेसिकली, और ये तवा भी देखिए कितना क्लीन है, मतलब यू कैन नॉट सी एनी ग्रीस और एनीथिंग, कोई ग्रीस या तो कोई भी डर्ट डस्ट कुछ भी दिखाई नहीं देता। इट इज सो ब्लडी क्लीन। तो गाइस यहाँ पे द मेनू कीप्स ऑन चेंजिंग डेली, और आज के मेनू में ये सब है, ये दिखाइए जरा। ड्राई फ्रूट हलवा इज देयर इन द डेजर्ट, दिस इज तिखी दाल विदाउट शुगर और जैगरी फॉर द नॉन गुजराती गेस्ट। ओके, दिस इज अवर स्वीट गुजराती कढ़ी। ओके, दिस इज गुजराती मीठी दाल। दिस इज सेव टमाटर फॉर द जैन। ओके, दिस इज टुडेज ग्रीन वेजिटेबल बरेला भिंडी, दिस इज माय फेवरेट। दिस इज दही वाला दूधी का शाक। ओके, देन दिस इज अ कठोल उड़द की दाल एंड दिस इज आलू। तो गाइस हम लोगों ने ये एकदम क्लीन और हाइजीनिक किचन देखा गोपी का,
It is really, really awesome. And my love for Gopi has increased after looking at this. चलिए बाहर चलते हैं. तो गाइज हम लोग बार बार बताते हैं आपको कि गुजराती थाली का जो बेस्ट प्लेस है हमारे लिए दैट इज़ गोपी 100%. तो इसके बहुत सारे कारण हैं. एक बहुत बड़ा कारण मैंने जो किचन आपको दिखाया वो है. दूसरी यहाँ की होस्टिंग है. और सिर्फ हम लोग बोलते नहीं हैं बट देखिए न्यूज़ वीक भी बोलता है. न्यूज़ वीक में गोपी हैज़ बीन फीचर्ड एज इन वन ऑफ 101 बेस्ट प्लेसेस टू ईट. उसमें गोपी का भी नाम है. ये देखिए दिस इज़ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. तो 101 प्लेसेस जो बढ़िया है खाने की उसमें गोपी इज़ ऑल्सो फीचर्ड. सिंस द लास्ट 6 years इट हैज़ गॉट द टाइम्स बेस्ट गुजराती थाली प्लेस अवार्ड. 6 साल से उसको कॉन्सिक्यूटिवली बेस्ट थाली का अवार्ड मिलता आ रहा है. तो हम लोगों ने देखा काफ़ी सारे रीजन्स है उसके. उसका जो होस्टिंग है, उसका जो क्वालिटी ऑफ फूड है, उसका जो किचन है, इट इज़ वेरी सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. एंड आई एम श्योर इट इज़ ग्रेट. वी आर 100% श्योर इट इज़ ग्रेट. अभी हम लोग वो थाली टेस्ट करने जाते हैं. चलिए तो गाइस अभी सर्विंग हो चुका है चालू. हम लोग बैठ गए यहाँ पे और हमारी गुजराती थाली में जो है वो सर्विंग हो गया है चालू. मेथी गोटा, तो ये ढोकला और मेथी गोटा. सब्जी आ गई मेरी पहले फेवरेट भिंडी इज माय फेवरेट. ये कौन सा है? किंग्सी वटाना. ओके वटाना टमाटर. आलू रसा वाला. ये रसा वाला आलू. उड़द की दाल. ये उड़द की दाल. तो गाइस ये हमारी रोटी और पूरी आ गई है. ये देखिए गर्मा गर्म रोटी और गर्मा गर्म पूरी. देखिए गर्मा गर्म फूली हुई मस्त पूरी आ गई है. और ये हमारी गर्मा गर्म रोटी. और ये हाईलाइट आ गया है, आमरस आ गया है. गाइस मेरे चेहरे की मुस्कान देख के पता चल चुका होगा कि खाना सर्व हो चुका है. वैसे तो खाना सर्व होते हुए आपको दिखाया हम लोगों ने, बट ये देखिए कितनी क्लीनलीनेस से, जितना क्लीन उनका किचन है उतनी ही क्लीनलीनेस से उन्होंने खाना सर्व किया है. खाना सर्विंग के वक्त भी खाना जो है वो यहाँ का वहाँ नहीं हुआ है. वो देखिए कितना क्लीन है. द सर्विंग इज़ सो क्लीन एंड द प्लेट लुक्स सो ऑसम. कितनी बढ़िया लगती है प्लेट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ फरसान से. मेथी गोटा. बहुत ही फ्रेश बढ़िया. चलिए लेट मी स्टार्ट द मेन कोर्स. ये मैं चालू करूँगा मेरी फेवरेट भिंडी से. इज माई फेवरेट सब्जी. तो गाइस जब आप यहाँ पे खाना खाते हैं तो यू आर रेस्ट अश्योर्ड दैट खाना जो है वो सिर्फ स्वाद में बढ़िया नहीं है बट उसकी क्वालिटी भी एब्सोल्युटली टॉप क्लास है. मैं थोड़ी सब्जी लेता हूँ. बढ़िया. एब्सोल्युटली हेवनली. सो आई विल हैव द रस विद द पूरी. वाओ रियली रियली ऑसम. वन मोर बाइट. एकदम हॉट पाइपिंग हॉट रोटी आ गई है. लेट मी हैव विथ दाल. वेरी नाइस. गाइस देखिए ये जो है ये हाईलाइट है आज के जो थाली का. तो ये इसको देख के आपको भी इच्छा होती होगी इसको खाने की.
तो वेट मत कीजिए, जल्दी से आ जाइए यहाँ पे गोपी रेस्टोरेंट जो कि प्रहलाद नगर क्रॉस रोड्स पर आया हुआ है। और यहाँ पे आपकी फेवरेट गुजराती थाली के साथ साथ में ये यमी रस भी एंजॉय कीजिए। तो गाइज आई विल टेस्ट दी बादाम हलवा नाउ। गुजराती थाली में यू डोंट हैव टू वेट फॉर द एंड टू टेस्ट द स्वीट्स, बीच बीच में भी आप स्वीट्स टेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ दी फन ऑफ हैविंग गुजराती थाली। तो मैं बादाम हलवा टेस्ट कर रहा हूँ। सम मोर भिंडी माई फेवरेट हैव विद द कड़ी। तो गाइज आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि हम लोग हमारी फेवरेट गुजराती थाली की जो रेस्टोरेंट है गोपी वहाँ पर बैठे हुए आज। और ये सारी जो डिशेज है जो थाली में आती है वो सारी की सारी हमने आपको दिखाई। और सारा का सारा जो खाना है हम लोग ने थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया है। तो आगे हम लोग अभी पूरा खाने का मज़ा उठाते। तो मीनवाइल थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यही गुजराती थाली विथ आम का रस अगर आपको खाना है तो आ जाइए जल्दी से गोपी रेस्टोरेंट में जो कि प्रहलाद नगर क्रॉस रोड्स पर आया हुआ है। और अभी समर चालू है तो रस मिलेगा आपको, जैसे ही बारिश की पहली बूंदे होगी रस नहीं होगा। तो जल्दी से आ जाइए यहाँ पर और ये औसम जो डिशेज़ है गुजराती थाली में जो सर्व होती है उसका मज़ा लीजिए। And thank you very much for watching. Bye-bye. Take care. Cheers.